सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मैदनी नगर इकाई के द्वारा नगर मंत्री सह मंत्री रमाशंकर पासवान की अध्यक्षता में नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय के कुलपति और परीक्षा नियंत्रक का पुतला दहन किया गया। विद्यार्थी बहुत गुस्से में थे और उग्र तरीके से नारेबाजी भी कर रहे थे। ज्ञात हो कि स्नातकोत्तर सत्र 2018-20 के विद्यार्थियों को परीक्षा में उपस्थित रहने के बाद भी विश्वविद्यालय की गलती के कारण सैकड़ों छात्रों को फेल कर दिया गया। ऐसी स्थिति में सभी छात्र उग्र हैं। स्नातक एवं स्नातकोत्तर के छात्रों को अभी तक प्रमोशन न मिल पाना दुर्भाग्यपूर्ण है। महाविद्यालयों के शिक्षकों की त्रुटियों की वजह से सैकड़ों छात्रों का परीक्षा परिणाम प्रकाशित न होने से भविष्य अधर में लटका हुआ है। महाविद्यालयों में शिक्षकों की घोर कमी, कोरोना जैसी महामारी में ऑनलाइन के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति आदि विषयों को लेकर के छात्रों के द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया। छात्रों के शांत होने के बाद विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधिमंडल के द्वारा प्रति कुलपति से मिलकर मामले का जल्द से जल्द निष्पादन करने की मांग की। प्रतिकुलपति ने विश्वास दिलाया कि एक सप्ताह के अंदर परीक्षा परिणाम में त्रुटि को ठीक कर लिया जाएगा। मौके पर उपस्थित राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य विनीत पांडे ने कहा कि विश्वविद्यालय की गलती के कारण बार बार आम छात्रों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि जल्द से जल्द यदि परीक्षा परिणाम में चल रही अनियमितता को सही नहीं किया जाता, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे। विभाग छात्रा प्रमुख दीक्षा कुमारी ने कहा कि छात्र छात्राओं के प्रति विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों का रवैया बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। Guys, I'm done.